अभी इसमें आपको ये जो है बैकग्राउंड, देन ये योको किचन हेडर जो है वो एक इमेज है, और ये दो बोकाई जो है और ये दूसरा वाला, दोनों भी इमेजेस हैं। और ये पूरा लेआउट ही हम लोगों ने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। फिर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टैग्स यूज करने वाले हैं, बेसिक टैग जो है वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे कि नेविगेशन हो गया, सेक्शन हो गया। अभी सेक्शन क्या है, ये जो जैपनीज वगैरह लिखा है ना टेक्स्ट, वो आपके सेक्शन है। ओके, ओके जिसमें जो टेक्स्ट लिखा ओके हुआ पैराग्राफ उसको कहते हैं आर्टिकल्स। ओके, फिगर तो आपको पता है, इमेजेस को फिगर कहा जाता है, फिग कैप्शन यानी जो आपका टेक्स्ट लिखा है उसको फिग कैप्शन। हाँ अभी यहाँ पे एच ग्रुप है, अभी एच ग्रुप क्या है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग टैग यूज किया, मतलब H1 भी है, H2 भी है, H3 भी है, सबके लिए। देखो H1, H2, H3 ये तीनों टैग हैं, इनका कंबाइन करके एच ग्रुप, मतलब जहाँ जहाँ हेडिंग टैग यूज किया है उनके ग्रुप के लिए एक ही मार्जिन से टॉप स्पेसिंग दिया हुआ है। देन असाइड, असाइड क्या, ये जो राइट साइड है ना, पता नहीं जो असाइड, एट द एंड आपका फुटर। ओके, हम लोग ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट से क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग दो फाइल्स क्रिएट करते हैं, एक होता है आपका HTML का फाइल और दूसरा होता है आपका CSS का फाइल। तो CSS की फाइल में हम लोग ये जो हमारी कोडिंग यानी स्टाइल है, स्टाइल टाइप हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो लिखेंगे, और HTML के जो पेज रहेगा .HTML का, उसमें हम लोग बॉडी टैग के अंदर जो भी आपका टैग हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं वो लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करती हूँ, न्यू पेज लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको जाके सेव करते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर दी 31 दिसंबर का, और यहाँ पे ये मेरा मास्टर पेज है, इसलिए इसको देते हैं index.html, और एक न्यू पेज क्रिएट करती हूँ यहाँ पे जिसे सेव एज करेंगे style.css। ओके, नाउ इंडेक्स पेज में जाके जो भी हमारी कोडिंग है हम लोग लिखेंगे, एट द एंड आपका HTML क्लोज हो जाएगा, हेड टैग। हेड टैग क्लोज, टाइटल, टाइटल में देखती हूँ वेब लेआउट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और उसका हाइपर रेफरेंस देंगे style.css का, जो कि आपका ये वाला होगा। ओके, आफ्टर हेड टैग ओपन बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्लोजिंग करेंगे इसका। ओके, अभी यहाँ से जो भी आने वाले होंगे कोडिंग उस स्टाइल में लिखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस जो है ये वाले इमेजेस यूज करने वाले, इनको कॉपी करती हूँ, और आपका जो फोल्डर है इसमें जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ एज अ इमेजेस, सेव करती हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग को इमेज चाहिए यहाँ पे डार्क मोड का, तो इसको ओपन विद गूगल क्रोम करके, आपको पता है हम लोग पाथ लेते हैं, तो इमेजेस का फोल्डर एंड इमेजेस का पाथ। ओके, सिंपली मैं आ जाती हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक स्टाइल क्रिएट करने वाले हैं जिसमें जितने भी टैग हम लोग यूज करने वाले हैं ना, एक सेकेंड मैं आपको पहले इसका ये बता देती हूँ। देखो ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी टैग्स यूज किए हुए, हेडर, सेशन, फुटर, असाइड, नेविगेशन, सबको डिस्प्ले ब्लॉक दिया है। डिस्प्ले ब्लॉक दिया है इसलिए वो बॉक्स लेआउट में आ गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक डिस्प्ले ब्लॉक क्रिएट करते हैं, फिर बॉडी बैकग्राउंड में इमेज, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो हेडर, फुटर, असाइड, सेशन, देन आपका नेविगेशन, आर्टिकल, ओके, फिगर, इमेज, फिगर, सॉरी सॉरी गॉड मी एक्सक्यूज मी,
देन फिर कैप्शन, ओके, इन सबको हम लोग देने वाले हैं डिस्प्ले सेम एज ब्लॉग, ओके। अभी इसके बाद यहाँ पे जो बॉडी टैग है उसमें आने वाली सेटिंग करते हैं। तो बॉडी टैग में सबसे पहले टेक्स्ट कलर जो भी आएगा उसका 6 डिजिट में कलर कोड लिख दिया हम लोग ने। कलर के बाद आपका आएगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर होगा। अभी यहाँ पे हम लोग है ना बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर रहे हैं एज वेल एज हम लोग यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर रहे हैं, ओके। तो एक हो गया बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज URL कोडी में टेक्स्ट कॉपी किया, ओके। और बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे नेट से कॉपी कर लेती हूँ कलर को एंड पेस्ट कर, ओके। देन बैकग्राउंड जो है उसका पोजीशन क्या रहेगा, तो बैकग्राउंड पोजीशन में देती हूँ सेंटर, ओके। इमेज मेरी पूरी सेंटर में आ जाएगी। देन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देती हूँ जॉर्जिया, देन टाइम्स, एंड सेरिफ, ओके। ये तीन फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज करने वाले हैं। एज वेल एज यहाँ पे लाइन हाइट देते हैं, ओके। तो लाइन हाइट देती है 1.4 em का और मार्जिन देती हूँ 0 pixels का, ओके। अब इसको सेव किया हम लोग ने, इंडेक्स पेज में जाएंगे, ओके। इंडेक्स पेज में जाके डायरेक्टली इसको सेव करते हैं हम लोग, ओके। और आपका जो फोल्डर हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है उस फोल्डर में जाके इसका प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं। देखो आ गया, ये लेआउट आ गया। अभी हम लोग ये हेडर क्रिएट करते हैं। तो हेडर के लिए आएंगे फिर से सीएसएस में, ओके। सीएसएस में आएंगे तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है क्लास रैपर, ओके। रैपर क्लास में मैं बॉक्स जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे उसका विड्थ 940 पिक्सल्स का, आप थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर सकते हो। उसकी मार्जिन देते हैं ऑल ओवर 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट, टॉप से ऑटो पिक्स ऑटो देती हूँ, राइट से अगेन 20 पिक्सल्स का देती हूँ, एंड बॉटम से भी ऑटो देती हूँ, ओके। देन बैकग्राउंड एक बॉर्डर ऐड करते हैं इसको 2 pixels की विथ सॉलिड कलर ब्लैक, एंड बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग इसको व्हाइट। सेव किया, इंडेक्स में आ गए, ओके। इंडेक्स डॉट html में आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आके सिंपली एक div क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा रैपर। अगर ऐसे लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ से जस्ट कॉपी करो टेक्स्ट एंड यहाँ पे आके पेस्ट करो, और रैपर जो है आपका एंड ऑफ द पेज क्लोज होगा। सेव करते हैं इसको, आपको प्रीव्यू बता दूं इसका। देखो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर है, व्हाइट कलर का बॉर्डर आ गया, ओके। एक्चुअली ब्लैक कलर का बॉर्डर है उसमें व्हाइट कलर अप्लाइड है, जैसे जैसे इसमें टेक्स्ट अप्लाई होते जाएगा ना, ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉपरली। एक सेकेंड, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं फिर से स्टाइल डॉट सी एस एस में। अभी हम लोगों ने हेडर टैग क्रिएट किया,
अभी हम लोग सिंपल इसमें ऐड करेंगे हमारा, और सॉरी हम लोग ने रैपर क्रिएट किया, अभी हम लोग क्रिएट करते हैं हेडर। तो हेडर जो है एक बाय डिफॉल्ट टैग है, तो इसको फिर से आपको क्लास या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हेडर की हाइट देती हूँ समा 160 पिक्सल्स, आप चेंज कर सकते हो आगे पीछे करके। देन बैकग्राउंड इमेज URL, अभी यहाँ पे फिर से जाते हैं आपके पेज पे, इमेजेस देख इसका पार्ट कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर दिया। ओके, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल एस करो, इंडेक्स के पेज में आ जाओ। इंडेक्स में पेज में आने के बाद अभी आपको हेडर यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हेडर। अभी हेडर दिया मैंने, यहाँ पे हेडर के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं योकोज किचन, सेव। योकोज किचन मुझे देना है, अभी पहले सेव करते हैं, आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। देखो आ गया। हाँ ओके, तो इतना मेरा हेडर आ गया। ओके, अभी आगे हम लोग को ये नेविगेशन बार क्रिएट करने का है। तो जी, नेविगेशन बार करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, और यहाँ पे सिंपली क्रिएट करते हैं हम लोग एक H1 टैग। ओके, आगे जाके हम लोग को H1 टैग का यूज होने वाला है। तो टेक्स्ट इंडेंट आपको याद होगा, हम लोग ने टेक्स्ट इंडेंट सीखा था। टेक्स्ट इंडेंट जो है मैं देती हूँ -99। टेक्स्ट इंडेंट मतलब एक प्रॉपर स्पेसिंग हम लोग जो देते हैं ना पैराग्राफ के लिए, वो होता है आपका टेक्स्ट इंडेंट। ओके, उसका विथ क्या रहेगा, तो 940 विथ देती हूँ। एक बॉक्स क्रिएट कर दिया हम लोग हेडिंग वन के लिए। देन उसका हाइट देती हूँ 130 पिक्सल्स का। ओके, और मार्जिन देती हूँ 0 पिक्सल्स की। अभी हम लोग यहाँ पे नेविगेशन बार एंड आपका फुटर सेम एज हम लोग निकले वाले। ओके, नेविगेशन और फुटर का सेटिंग सेम होगा, तो यहाँ पे करते हैं क्लियर बोथ। ओके, क्लियर बोथ के बाद उसका विथ सॉरी कलर देते हैं उसमें टेक्स्ट कलर व्हाइट। बैकग्राउंड कलर जो है मैं कलर कोड कॉपी करती हूँ नेट से, और उसका हाइट होगा 30 पिक्सल्स का। सेव, इंडेक्स में आ जाते हैं। इंडेक्स में आके हम लोग को सिंपली नेविगेशन बार क्रिएट करना है। ओके, इसको देती हूँ H1 टैग, क्योंकि मैंने वहां पे H1 टैग डिस्प्ले किया है। अभी हेडर के अंदर ही हम लोग को नेविगेशन का जो टैग हम लोग अभी बनाने वाले हैं वो क्रिएट करना है। यहाँ पे नेव क्लोज जी करते हैं, सेव। अभी मैं जरा गूगल पे जाती हूँ, देखो बॉक्स आ गया बताओ। हेडर का। अभी ये जो नेविगेशन है इसको जस्ट कॉपी करती हूँ और नोटपैड में आके पेस्ट करती हूँ। ओके, नेविगेशन मुझे अंडर लिस्ट स्टाइल चाहिए, यूएल क्लोज, एल आई क्रिएट करते हैं, एल आई क्लोज, कॉपी, 2 3 4 5। ओके, आई टाइम्स कॉपी पेस्ट किया, जस्ट टेक्स्ट को लो Ctrl X Ctrl V। अभी आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। सेव। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल एस करेंगे पे आते हैं रिफ्रेश। अभी देखो ये क्या हो रहा है, कलर आ गया उसको, सारी चीजें आ गई, बट वो एक ही लाइन में आ गया, लिस्ट दिया है फिर भी। क्यों? क्योंकि हम लोग को अभी सेटिंग क्रिएट करना है फॉर लिस्टिंग एंड अंडर लिस्ट के लिए। ओके, तो आ गए यहाँ पे स्टाइल में, तो सबसे पहले अंडर लिस्ट का स्टाइल क्रिएट करते हैं।
तो अंडर लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आके डायरेक्टली ऐड करते हैं नेविगेशन अंडर लिस्ट। ओके, तो नेविगेशन अंडर लिस्ट में सबसे पहले हम लोग देते हैं मार्जिन 0 pixels का, ओके, एज वेल एज पैडिंग जो देते हैं ऑल ओवर 5 pixels, 0 pixels, देन मुझे राइट से भी और बॉटम से भी 0 pixels चाहिए और 30 pixels आपके राइट साइड से चाहिए। ओके, फिर देती हूँ नेविगेशन के ही एल आई यानी लीस्ट के लिए, ओके, तो नेविगेशन एल आई के लिए एक ही लाइन में आना चाहिए इसलिए डिस्प्ले देते हैं इन लाइन। ओके, डिस्प्ले दे दिया मैंने इन लाइन एज वेल एज मार्जिन फ्रॉम राइट देती हूँ 30 pixels का या 40 pixels का। एक बार इतना बनाते हैं हम लोग, इंडेक्स की फाइल में आएंगे, सेव करेंगे, देखो आ गया एक लाइन में। अब इसको हाइपरलिंक देना है, देखो होवर होने पे यहाँ पे ब्लैक कलर हो रहा है और ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को होवर का स्टाइल। तो होवर देने से पहले आपको इन सब के आगे एक चीज और लिखनी जरूरी है, क्या? तो ए एच आर ई एफ, ओके, तो ए एच आर ई एफ इज इक्वल टू होम डॉट जेपीजी, सॉरी एच टी एम एल ए क्लोज, अबाउट कॉन्टैक्ट, ओके, और यहाँ पे आपका ए टैग आपने ओपन किया है लिंक्स के लिए, तो आपको क्लोजिंग करना भी जरूरी है। सेव करती हूँ इसको एंड आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ। रिफ्रेश, देखो आ गया, बट अभी ये अंडरलाइन निकलना है हम लोग को होवर करने पे कलर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा नेविगेशन ए यानी हाइपरलिंक के लिए कलर कौन सा रहेगा और माउस होवर करने पे कलर कौन सा रहेगा। ओके, तो आ जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, नेविगेशन एल आई, एल आई में हम लोग को क्या ऐड करना है, हाइपरलिंक, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं ए। ओके, टेक्स्ट कलर कौन सा चाहिए, तो कलर देती हूँ यहाँ पे व्हाइट। ओके, और नेविगेशन जो है एल आई लिस्ट उसमें ए यानी हाइपरलिंक जो है जब होवर होगा, ओके, माउस होवर होगा एज वेल एज नेविगेशन एल आई ए जब फर्स्ट वर्ड पे होता है तो उसको हम लोग देते हैं करंट ए क्लास, तभी टेक्स्ट कलर क्या होगा, तभी कलर टेक्स्ट कलर मुझे देना है ब्लैक का 6 digit सेव, और सिंपली हम लोग आएंगे HTML में। HTML में आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो क्लास क्रिएट किया हम लोग ने करंट वो अप्लाई करेंगे, सेव, देखो आ गया। अभी हम लोग को यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो भी निकालना है, राइट? तो अंडरलाइन निकालने के लिए यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज ए, ए यानी हाइपरलिंक। अभी बहुत सारी चीजों में यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड है इसलिए ए का अलग से ही टैग हम लोग बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कलर देते हैं यहाँ पे। ओके, कलर कोड में गूगल से कॉपी करती हूँ और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन करती हूँ नन, सेव एंड देखो गया। ओके, अभी हम लोग ये नहीं देखा, ये देखो ना,
हाँ है, अंडरलाइन गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो ये जो इमेज है, ओके, इमेज के लिए हम लोग फिगर क्रिएट करेंगे, फिगर कैप्शन क्रिएट करेंगे, और जो टेक्स्ट है उसके लिए हम लोग असाइड और सेशंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अभी आ जाते, देखो यहाँ पे अभी सेशन क्रिएट करेंगे, देन असाइड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में, सेशन दो अलग अलग सेशन क्रिएट करेंगे इसमें, एक होगा हम लोग का सेशन कोर्सेज के लिए, और जो असाइड क्रिएट करेंगे उसमें अलग से सेशन रहेगा आपका। ओके, तो सेशन दे देती हूँ मैं क्लास कोर्सेस। ओके, तो सेशन क्लास मैंने कोर्सेज दिया, उसका फ्लोट मुझे चाहिए लेफ्ट में। ओके, फ्लोट लेफ्ट, देन उसका विथ, अरे यार 659 पिक्सेल का विथ देती हूँ। ओके, प्लस हम लोग इसमें एक बॉर्डर राइट डालेंगे, बॉर्डर फ्रॉम राइट साइड इसे 1 पिक्सेल का चाहिए, एज वेल एज इसमें नाइट सॉलिड कलर ऐड करते सेम। ओके, अभी सेशन ऐड किया है तो सेशन को अप्लाई करेंगे हम लोग हमारे सीएसएस में। देखो अभी यहाँ पे नेविगेशन बार क्लोज हो गया, हेडर क्लोज हो गया, अभी एक नया क्रिएट करते हैं सेशन क्लास, ओके। तो सेशन क्लास करती हूँ मैं यहाँ पे कोर्सेस सेशन क्लोज सेव। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग और एक क्लास क्रिएट करेंगे एज अ आर्टिकल। ओके, ये बाय डिफॉल्ट टैग है। ओके, तो आर्टिकल के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे क्लियर बोथ, क्योंकि हम लोग को दो ऐड करने हैं, तो क्लियर बोथ किया मैंने यहाँ पे। ओवरफ्लो देती हूँ यहाँ पे ऑटो, अगर पैराग्राफ में टेक्स्ट ज्यादा आ जाएगा तो ऑटो देते हैं यहाँ पे, और उसका विड्थ देती हूँ 100% का। ओके, अभी आर्टिकल्स के बाद जो हम लोग एच ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, H1 टैग्स हम लोग के बहुत आने वाले, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो एच ग्रुप के लिए सेटिंग, तो उसके पहले हम लोग एच ग्रुप से पहले आर्टिकल जो है उसमें ऐड कर देते हैं। ओके, इसको सेव करती हूँ यहाँ पे आते। ओके, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्रिएट करते हैं आर्टिकल, सॉरी अभी इस आर्टिकल के अंदर हम लोग एक चीज और एक वर्ड ऐड करेंगे क्लास, दैट इज फिगर, फिगर क्लोज। ओके, और फिगर के अंदर हम लोग फिग कैप्शन भी ऐड करने वाले हैं, फिग कैप्शन क्लोज। अभी ऑब्वियस हम लोग ने फिगर ऐड किया है, सो वी हैव टू ऐड इमेज सोर्स इज इक्वल टू। इमेज सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग आके ये जो आपका इमेज है बॉक्स चॉय का, ओके, वो कॉपी करती हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम, पाथ कॉपी किया सिंपली मैंने यहाँ से, और नोटपैड प्लस प्लस में आके सेव करो। ओके, अभी इसको विथ हाइट हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन अल्टरनेट टैग दे रही हूँ। ओके, अल्टरनेट टैग क्या है मेरा, तो यही है बॉक चॉय। ओके, और फिक कैप्शन भी वही आ जाएगा। सेव करती हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, देखो आ गया राइट साइड में सेशन आ गया, ये फिगर आ गया।
अभी आप बोलो कि मैम यहाँ पे इसके बाजू में जो बॉर्डर एंड ऑल है, व्हाइट बैकग्राउंड है, वो नहीं आया, तो पूरा कोडिंग लिखने के बाद हम लोग का बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन हम लोग ने अभी तक फिगर एंड फिगर कैप्शन का सेटिंग नहीं किया है। देखो यहाँ पे फिगर एंड फिगर कैप्शन का सेटिंग नहीं किया है, इसलिए वो नहीं आया, तो अभी वो भी हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सी एस एस में। सी एस एस में आने के बाद सबसे पहले क्रिएट करते हम लोग फिगर, एज ग्रुप भी करना है वो रखती हूँ यहाँ पे। थोड़ा फिगर क्रिएट करते हैं पहले, फिगर यानी अपने इमेज के लिए। ओके, तो फिगर में आ जाएगा सबसे पहले फ्लोट लेफ्ट। ओके, फ्लोट लेफ्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा विथ, जो कि इमेज या जो हम लोग बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं उसका विथ, तो 290 पिक्सल्स में, एंड सॉरी हाइट, हाइट देती हूँ समहाउ 220 पिक्सल्स। पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल्स का। ओके, एंड मार्जिन समहाउ 20 पिक्सल्स की, बॉर्डर ऑन करते हैं 1 पिक्सल्स का, और इसमें सॉलिड कलर को ही ऐड करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 सेव। इंडेक्स पेज में आएंगे, इंडेक्स पेज में सेव करो, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ। देखो आ गया बॉक्स। ओके, अभी फिगर कैप्शन ऐड करेंगे इसमें। ओके, फिगर कैप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे आ गए फिर से, तो फिगर कैप्शन की सेटिंग करते हैं। फॉन्ट साइज जो है 90% का दे देती हूँ। ओके, फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 90%। टेक्स्ट अलाइन आप लेफ्ट राइट जो भी देना है दे दो, सेंटर। ओके, फिक कैप्शन के बाद सिंपली हम लोग ऐड करते हैं एज ग्रुप, जो हम लोग ने यहाँ पे पहले से करके रखा है। तो एज ग्रुप में मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप ऐड करती हूँ 40 पिक्सल्स का। ओके, अभी आर्टिकल्स बन गया, असाइड बन गया, और सॉरी फिक कैप्शन बन गया। अब जो साइड में टेक्स्ट आने वाला है, असाइड में उसका यहाँ पे सेटिंग करते हैं। तो असाइड जो है उसका विथ रहेगा समहाउ 230 पिक्सल्स का। ओके, विथ देती हूँ 230 पिक्सल्स का। फ्लोट देती हूँ यहाँ पे लेफ्ट। ओके, फ्लोट लेफ्ट देंगे, यहाँ पे पैडिंग देंगे लेफ्ट से 0 पिक्सल। आप पिक्सल्स लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट टॉप बॉटम, और राइट साइड से मैं देती हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल्स का। ओके, इसको पहले सेव करती हूँ, इंडेक्स में आ जाते हैं। अभी इंडेक्स में आने के बाद यहाँ पे हम लोग ने इमेज लिखा, फिगर कैप्शन लिखा। अब भाई फिगर कैप्शन के लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे एज ग्रुप। ओके, एज ग्रुप क्लोज किया, सिंपली गूगल पे गए, ये जो टेक्स्ट लिखा है कॉपी करो, एक 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 लिखने को बहुत टाइम जाएगा, तो बेटर में जितना कॉपी पेस्ट करने आ रहे हैं मैं उतना कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अभी सिंपली यहाँ पे H1, ये आपका जो है ये है आपका H2 टैग, H2 टैग क्लोज, सॉरी जैपनीज वेजिटेरियन लिखा है जो H2 टैग है आपका, और ये जो है आपका है Heading 3 टैग। अभी Heading 3 का मेरा काम हो गया, तो हम लोग एज ग्रुप जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं, और ये जो है आपका सिंपल पैराग्राफ टैग है। अभी पैराग्राफ टैग की हमने सेटिंग नहीं की है, लेकिन
फॉन्ट में सबसे पहले जो बैकग्राउंड किया था, बॉडी टाइप किया था, देखो आ गया। अभी आप बोलोगे मैम यहाँ पे कलर है रेड कलर, तो अभी तक हम लोगों ने हेडिंग 3 का और हेडिंग 2 का फॉन्ट कलर का सेटिंग नहीं किया, ओके। और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी ये पिक्चर को आपने व्हाइट कलर डाला था? नहीं, ये जो बैकग्राउंड है ना व्हाइट कलर का, वो कंप्लीट होने के बाद आएगा ये, ओके। अभी सेम यहाँ पे ये दूसरा इमेज और टेक्स्ट आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, सेम ही प्रोसेस है, तो नया क्रिएट नहीं करी हूँ। ये जो आर्टिकल्स का ग्रुप है, ओके, ये आर्टिकल का सेशन पूरा कॉपी करती हूँ। अभी आपको सिर्फ जाके क्या करना है जोलेन, सिर्फ इमेज नेम चेंज करना है और जो भी टेक्स्ट आपका दिया हुआ है वो, तो इमेज है यहाँ पे ये, इसको मैं गूगल क्रोम में ओपन करती हूँ, सिंपली इसका पाथ कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पाथ चेंज किया, अल्टरनेट टैग कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, फिगर कैप्शन में भी कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक कैपिटल करती हूँ, और जो टेक्स्ट वो लोग ने दिया है वो भी कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पहले नीचे पेस्ट करती हूँ, या तो एक काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा कॉपी करती हूँ। यहाँ पे ये एच ग्रुप है, तो सॉस मास्टर जो लिखा है यहाँ पे ऐड करती हूँ, और हेडिंग 3 में लिखा है वनडे शॉप, वनडे वर्कशॉप यहाँ पे लिखती हूँ, एंड पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ टैग में ऐड कर देती हूँ, सेव एंड रिफ्रेश, देखो आ गया, राइट। अब ये असाइड का ये पार्ट बनाने का है, देखो अभी इसमें माउस होवर भी हो रहा है, इसमें हेडिंग 2 भी है, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, असाइड सेशन क्रिएट करेंगे, हम लोगों ने असाइड क्रिएट किया, अभी असाइन सेशन क्रिएट करेंगे, तो सिंपली आ जाते हैं style.css में, असाइड सेशंस, ओके। असाइड सेशन में अभी सिंपली हम लोग जिसमें हाइपरलिंक देने वाले, मतलब माउस होवर इफेक्ट देने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले उसका डिस्प्ले ब्लॉक, ओके, डिस्प्ले ब्लॉक देती हूँ, पैडिंग देती हूँ 10 pixels का, ओके, 10 pixels का मैंने पैडिंग दे दिया, और बॉर्डर देती हूँ फ्रॉम बॉटम, बॉर्डर बॉटम दे देती हूँ मैं यहाँ पे 1 pixels विद सॉलिड कलर, कलर कोड आपने देखे होंगे सब जगह पे हम लोगों ने सेम ही रखे हैं, ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा ज़्यादा कलर हम लोगों ने नहीं किया। अभी ये असाइड जो है, असाइड सेशन जो है आपका, ओके, असाइड सेशन आपका होवर होने के बाद कैसे होगा, जब वो होवर होगा तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो टेक्स्ट कलर चेंज होगा, राइट, एज वेल एज उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज करते हैं, तो बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ओके, सेव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। अभी आर्टिकल्स जो है मेरा कंप्लीट हो गया, ओके, आर्टिकल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेशंस कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग नया सेशन क्रिएट करते हैं ऑफ असाइड, ओके, इसको नाम देती हूँ मैं असाइड, बहुत सारे हैं इसमें। अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट टैग है, ये एंड में जाके क्लोज होगा, ओके। अभी इस असाइड के अंदर हम लोग सेशंस क्लास सिलेक्ट करते, तो सेशन क्लास इज इक्वल टू, ओके,
दो क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग, एक होगा आपका पॉपुलर रेसिपीज। अभी आप बोलोगे मैम पॉपुलर रेसिपीज और ये क्या है, तो ये देखो ये जो है पॉपुलर रेसिपीज ये है आपका क्लास। ओके तो एक क्लास करते हम लोग यहाँ पे पॉपुलर रेसिपीज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। ओके और इस पॉपुलर रेसिपीज में हम लोग एक सिंपली हेडिंग टैग क्रिएट करते हैं, और उस हेडिंग टैग में यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग टैग का, तो अभी इसी को मैं हेडिंग टैग में डालती हूँ। सेव, और सिंपली आप यहाँ पे देखोगे जो टेक्स्ट है ये वाला यही मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से। ओके कॉपी किया सिंपली मैंने यहाँ पे, और रेसिपीज जो है रेसिपीज लिखने के बाद सिंपली हम इसको पेस्ट करते हैं। ओके और अभी इसको ना लिस्ट दिया है या अंडर लिस्ट दिया है कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं ए एच आर ई एफ यानी कि हाइपर रेफरेंसेस। अभी मेरे पास कोई हाइपर रेफरेंस का वगैरह कुछ बना हुआ नहीं है, तो नो प्रॉब्लम आप इसको सिंपली ओपन एंड क्लोजिंग कर लो। मतलब पेजेस मेरे पास अभी कुछ बने हुए नहीं है इसके। सेव, ओके एक बार आपको इसका प्रीव्यू बता देती हूँ। ये देखो हो गया ऐड, हो गया होवर, बट यहाँ पे ये हेडिंग टैग्स में है राइट। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं हेडिंग टैग्स दे देते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सी एस एस में। ओके सी एस एस में आने के बाद हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री एच वन एच टू एंड एच थ्री के सेटिंग्स करते हैं। ओके हम लोग ने हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री तीनों क्लास क्रिएट किए, तो उनका फॉन्ट वेट जो है वो होगा नॉर्मल। आपको पता है फॉन्ट वेट बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो हेडिंग टैग दे दिया, अभी इसमें एच टू टैग जहां जहां यूज किया है राइट वहां पे हम लोग दे देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट, टॉप से देती हूँ मैं संभव 0 पिक्सल्स, राइट से 5 पिक्सल्स, बॉटम से भी 0 पिक्सल्स। ओके एज वेल एज हेडिंग देती हूँ 0 पिक्सल्स। ओके हेडिंग टैग 2 हो गया मेरा, अभी हेडिंग टैग 3 जो यूज करने वाले हैं, जो हेडिंग टैग 3 यूज किया है उसके मार्जिन सेट करते। ओके जीरो पिक्सल्स, जीरो पिक्सल्स, राइट से देती हूँ 0 पिक्सल्स, बॉटम से देती हूँ 0 पिक्सल्स का। ओके और उसका कलर कोड चेंज करते, तो कलर इज इक्वल टू जो भी कलर कोड होगा वो, एज वेल एज असाइड में जो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हेडिंग टू ऐड किया हुआ है, असाइड जो मेरा सेशन है उसमें जो हेडिंग टू टैग ऐड किया है उसकी पैडिंग हम लोग अलाउ करते हैं। ओके तो उसकी पैडिंग में देती हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड अगेन 0 पिक्सल्स। ओके एंड टेक्स्ट कलर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और एट द एंड आपका फुटर टैग जो है, अभी फुटर टैग की हम लोग ने कलर्स की सेटिंग जो है हम लोग ने यहाँ पे ऊपर कर दी थी। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिर उसका हाइट क्या रहेगा वो, तभी यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे फुटर में जो फॉन्ट यूज करने वाले हैं उसका सेटिंग करते हैं। तो फॉन्ट साइज, ओके तो फॉन्ट साइज में देती हूँ 80 पिक्सल्स का, एज वेल एज पैडिंग टेक्स्ट पैडिंग जो है वो सेट करते हैं
एंड 20 पिक्सल्स का. ओके सिंपली इसको मैं कर देती हूँ सेव और आ जाएंगे यहाँ पे. ओके अभी यहाँ पे मेरा एक सेशन तो क्रिएट हो गया था राइट. अभी हम लोग दूसरा सेशन क्रिएट करते हैं जिसको मैं नाम देती हूँ सेशन क्लास इज इक्वल टू. ओके सेशन क्लास इज इक्वल टू देती हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गूगल में आपने सॉरी आपके इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही लिखा हुआ है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओके तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद सिंपली हम लोग क्या करते हैं इसमें डालते हैं हेडिंग टू टैग. इसको मैं रीनेम करती हूँ एज अ कॉन्टैक्ट हेडिंग टू क्लोज. ओके एंड गूगल पे आते हैं सिंपली और ये जो टेक्स्ट है यहाँ से वो कॉपी कर लेती हूँ. ओके आ जाते हैं फिर से नोटपैड के अंदर हेडिंग टू के अंदर. हेडिंग टू के अंदर हम लोग जाके पी टैग क्रिएट करते हैं. हेलो यस तो स्टार्ट करते हैं फिर से. तो हमने ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड किया है तो सिंपल मैंने टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है और यहाँ पे मुझे हर एक को पैराग्राफ टैग ऐड नहीं करना है. तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देते हैं बी आर दैट इज ब्रेक लाइन ब्रेक जो हम लोग करते हैं वो. ओके सिंपली मैंने यहाँ पे बी आर दे दिया और असाइड का पार्ट जो है मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ओके बट मेरा फुटर बाकी है. ओके तो फुटर में आ गए हम लोग. फुटर में आके एट द रेट या हम लोग देते हैं यहाँ पे एंड कॉपी. ये कॉपीराइट का जो है शॉर्टकट है 2021 योकोस किचन. ओके इसको सेव करते हैं हम लोग पहले एक सेकेंड ना मैं आपको इसका प्रीव्यू बताती हूँ. हम लोग जाते हैं गूगल पे. ओके तो ये देखो हम लोग का प्रीव्यू कुछ ऐसे होगा. ये आपका योकोज किचन फुटर में ये आपके असाइड्स ये आपके सेशन कोर्सेस और ये आपका फिगर एंड ये फिगर कैप्शन. क्लियर है ज्वेलिन? ओके तो